नमस्ते, आइए अब हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस प्रकार से शेप्स को यूज किया जाता है। ये जो हम पोस्टर बना रहे हैं, इस पोस्टर में मान लीजिए हमको कोई नीचे डायरेक्शन के लिए स्पेस देना, शेप देना है, तो उसके लिए हम इंसर्ट ऑप्शन पर जाएंगे और यहां पर शेप बटन को क्लिक करें। जब आप शेप बटन को क्लिक करते हैं तो आपके सामने मेनू आ जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के शेप्स हैं, जैसे कि लाइन, बेसिक शेप, एरो, फ्लो चार्ट के शेप, कॉल आउट, स्टार और बैनर। इसमें हम एक शेप जो चुनना चाहेंगे वो है ये राइट एरो का शेप, तो इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप अपने माउस पॉइंटर को वहां ले जाएं जहां पे आपको शेप बनाना है और माउस पॉइंटर को माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके ड्रैग करें। ड्रैग करने से ये शेप आपके सामने आ जाएगा। शेप आप जितने साइज का बनाना चाहते हैं बनाइए, फिर उसके बाद अपने माउस पॉइंटर को छोड़ दीजिए, तो ये आपके सामने शेप आ जाएगा। अब क्योंकि हम यहाँ पे भाग लेने वाले लोगों को बताना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम जो लर्निंग कंप्यूटर इन हिंदी है, ये हॉल नंबर मान लीजिए 5 में हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे हॉल नंबर 5। वो लिखने के लिए आप ऊपर बाईं तरफ इंसर्ट शेप पर जाएं और यहाँ पर एडिट टेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। इससे यहाँ पे आपको एडिट करने का माध्यम आ जाएगा और उसके जरिए आप यहाँ पे लिखिए हॉल नंबर 5। आप इस और फिर एंटर दबाइए। आप फिर इस शेप को अलग अलग प्रकार के स्टाइल्स भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ये स्टाइल चेंज करना है तो मैं लेता हूं जैसे कि ये मेरे को ठीक लग रहा है, इसको रख लेते हैं। इसी प्रकार से आप इस शेप के अंदर का रंग भी बदल सकते हैं, जैसे कि अगर मेरे को कोई एक रंग डालना है इसमें तो ये रंग मैंने डाल दिया। अब ये रंग मैंने डाल दिया तो ये हॉल नंबर 5 दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए आप ये हॉल नंबर 5 को सिलेक्ट करें, ऊपर होम टैब पर जाएं और यहां से इसका रंग ऐसा करें जो दिखाई दे, जैसे कि सफेद रंग ज्यादा ठीक दिख रहा है तो सफेद रंग ले लेते हैं और इसका थोड़ा साइज भी बढ़ाएं, फॉन्ट साइज। ये ठीक लग रहा है। हम वापस से फॉर्मेट टैब पर जाएं और इसमें आप इस शेप में अलग अलग तरह के इफेक्ट्स भी दे सकते हैं, जैसे शैडो इफेक्ट। शैडो इफेक्ट देने के लिए शैडो इफेक्ट बटन पर क्लिक करें और ये देखिए ये अलग अलग परछाइयां आप लगा सकते हैं अपने एरो के पीछे। मैं चाहता हूं कुछ इस तरह की परछाई लगाना, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। ये जो परछाई है ये अभी आपको ग्रे रंग में दिख रही है, इसका रंग भी आप बदल सकते हैं। यहां से आप जो भी रंग की परछाई लगाना चाहते हैं वो यहां से आप चुन सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आपको इस शेप में कुछ 3D इफेक्ट देने हैं तो 3D इफेक्ट बटन पर क्लिक करें, नीचे 3D इफेक्ट मेनू में जाएं और ये देखिए इस प्रकार से आप 3D इफेक्ट भी दे सकते हैं अपने एरो में। और अगर 3D का कलर बदलना चाहें तो वहीं पर जाएं और ये 3D कलर आप जैसे ये थोड़ा हल्का नीला
ले लेते हैं। फिर क्योंकि ये शेप ठीक जगह नहीं दिख रहा है, तो इसको ठीक से लाने के लिए आप इस शेप पर क्लिक करें, फॉर्मेट में जाएं और यहां पर अलाइन बटन को क्लिक करें और इसको सेंटर में अलाइन करके देखते हैं कैसा लगता है। हाँ, ये कुछ ठीक लग रहा है। थोड़ा इस पोस्टर को जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से दिख रहा है। ये देखिए, इस प्रकार से ये पोस्टर दिख रहा है, काफी बेहतर है। तो आपने जान लिया कि आप किस तरह से एक शेप लगा सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के 3D इफेक्ट भी दे सकते हैं।